हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालू। आज हम बनाने जा रहे हैं नली निहारी। अक्सर शाही घरानों की रेसिपी हम तक आई है उन किचनों से, लेकिन ये पहली रेसिपी है जो स्ट्रीट से नवाब के पास गई थी। निहार का मतलब होता है दिन, और पहली नमाज फज्र के बाद इसे खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी हर नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने एक बोल उतना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। सरसों के तेल को हमें जलाना है एक स्मोक पॉइंट आने तक। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन के पानी का छींटा मारेंगे। अब इसमें चार बड़े कटे प्याज ऐड कर देंगे और इसे सॉटे कर लेंगे। प्याज को भुनना बहुत ही ज़रूरी है। पहले के जो खानसामे थे वो अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। उनका मानना था कि खाने का पूरा इल्म अपने अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नल्ली निहारी वैसे तो बहुत इजी है, आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा प्याज भून लीजिए, थोड़ा गोश्त भून लीजिए, थोड़े मसाले डाल दीजिए, हो गई आपकी निहारी तैयार। लेकिन सीक्रेट जो है वो कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके साथ सारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँगी खानसामो वाली। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर 1 किलो नली ली है और यहाँ पर कुछ मटन भी ऐड कर रही हूँ। ये जॉइंट वाला पार्ट्स होता है, इसे हम ज़्यादा तादाद में लेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनते हुए मिक्स करेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसका पानी हमें खुश्क कर लेना है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। पहले के ज़माने में इसे रात भर पकाया जाता था, तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते थे। रात में चढ़ती थी तो सुबह ही देख उतरती थी। उस वक्त में ये सिगड़ियों पे बना करती थी तो टेम्परेचर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो टेम्परेचर हम अपने हाथ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें। आजकल के कुछ आलसी लोग हैं जो इसे कुकर में बनाकर अपने वक्त की बचत करते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि असल नल्ली निहारी का टेस्ट तो धीमी आँच पर पकने से ही आता है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा खेल है, तो सभी चीज़ें टाइमिंग के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी रेसिपी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें हम बाकी के दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भुनना है और मटन का पानी खुश होने तक उसे चलाते रहना है। मेरा मटन का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। मैंने यहाँ 200 ग्राम दही लिया है, उसे अच्छी तरह से फेंट लिया और अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। दही को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। निहारी को सुबह की पहली फज्र की नमाज के बाद खाया जाता था। मेहनत कश लोग इसे सुबह में नाश्ते के तौर पर खाया करते थे और इससे बहुत ताकत मिलती थी उन्हें। इसमें बहुत ज़्यादा कुव्वत होती है। लोगों को लगता है कि निहारी सिर्फ नली की बनती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि निहारी जो है वो हर उस कट की बनती है जिसे पकने में ज़्यादा वक्त लगता है। एंड यूजुअली स्टूविंग वाले कट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि उन्हें पकने में ज़्यादा समय लगता है। पानी में कंजूसी नहीं करनी है हमें, क्योंकि निहारी की एक खासियत होती है कि निहारी स्टू होता है। क्योंकि ये एक स्टू होता है, इसके लिए जो इसकी तरी है, जो इसका रस्सा है, वो कम पड़ना नहीं चाहिए।
अब हम इसे ढककर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए लो फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, उसमें 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई यानी कि सरसों, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 ग्राम लौंग, 1 ग्राम काली मिर्च, 4 से 5 साबुत कश्मीरी मिर्च, 3 से 4 तेज पत्ता। हमें इसे भुनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सोटे करना है। 2 बड़ी इलायची, आधा जायफल और 1 ग्राम दालचीनी का टुकड़ा, 3 ग्राम सौंठ, 4 ग्राम हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा। इन सबको हमने अच्छी तरह से सोटे कर लेना है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक बॉल में निकाल लेंगे। 3 टेबल स्पून खसखस लिया है, इसे सोटे कर लेंगे। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं, उसी मसाले में इसे शामिल कर देंगे और अपने बाकी के मसाले अब इसमें ऐड करते जाएंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 ग्राम खस की जड़, 1 ग्राम पिपली, 1 ग्राम पत्थर फूल, 2 ग्राम कबाब चीनी, 1 पान की जड़, 1 ग्राम कलौंजी, 1 चुटकी केसर। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि आपको मसाले जो है वो भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सोटे करना है और उसे ग्राइंडर में पीसना है। ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है ग्राइंडर को, क्योंकि पहले ज़माने में जो था सिलबट्टों पे हमाम दस्ते में मसाला पीसा करते थे, तो उसकी खुशबू, उसकी ताजगी एकदम फ्रेश रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काम आसान हो चुका है। लेकिन जब हम उसे ज़्यादा भूनते हैं और ग्राइंडर में जाने के बाद में मसाला जब गर्म हो जाता है, तो उसके वजह से उसके जायके में, टेस्ट में काफ़ी चेंज आ जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ग्राइंडर को पीसते टाइम में बिल्कुल भी जार आपका गर्म ना हो, उसे धीरे धीरे करके पीसे। ये सारे मसाले बहुत ही सौंधे होते हैं, इनकी खुशबू बड़ी सौंधी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है। अब मैं इसे एक बार छान लेती हूँ स्ट्रेनर की मदद से, क्योंकि इसमें जो जाड़ा जाड़ा पार्ट्स है वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे छान कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और अपने निहारी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हम लीड हटाकर एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए निहारी को स्लो आंच पर पकने दिया था। देखिए, आप देख सकते हैं हमारी बूटी कितनी अच्छी तरह से गल गई है, गोश हड्डी छोड़ चुका है। देखिए, नली का जो गोश है वो पूरी तरह से लटक गया है, मींस गोश हमारा एकदम रेडी है और नली भी एकदम रेडी है। अब हमने जो पीस कर छान कर मसाले रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें काफ़ी कुव्वत होती है, ताकत होती है, रजाइत होती है, जिसकी वजह से अगर हम इसे सुबह खा लेते हैं तो हमें पूरा दिन भूख की शिद्दत का एहसास नहीं होता है। सरसों के तेल में जो मज़ा है वो घी में भी नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, पहले के ज़माने में मिट्टी के घड़ों में सरसों के तेल को डालकर उसे सील करके ज़मीन के अंदर दबाया जाता था तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए, ताकि उसके अंदर एक सौंधा सा फ्लेवर आ सके। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आजकल के लोगों के पास सौंधा करने के लिए बहुत से तरीक़े आ चुके हैं, जैसे कि लहसुन के पानी का छींटा मारकर उसे सौंधा कर लिया जाता है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब गुलाब की पत्तियों को भी मसाले में ऐड करके पीस लीजिएगा, उससे भी बड़ा सौंधा फ्लेवर आता है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं यहाँ रोज़ वाटर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर डाल दिया। यहाँ मैं केवड़ा वाटर ले रही हूँ, ये भी मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। अब हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर लेंगे और एक बार इसे चख लेंगे नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। हमने शुरुआत में ही नमक डाला था, अब मैं इसे चख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड कर देंगे।
नमक मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक बोल में 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा डाला और उसमें पानी डालकर उसे मिक्स कर लिया। लम्स बिल्कुल ना रहे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये रेडी हो चुका है तो अब हम इसे अपने पतीले में ऐड कर देते हैं। आटे का घोल निहारी में इसलिए डाला जाता है ताकि ये ठीक हो जाए और इसमें एक लस आ जाए। अब हमने इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा नल्ली निहारी। तो अब हम इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से जिंजर जुलियंस लिए हैं, उसे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया ऊपर से रख देंगे। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है रेसिपी तो देखकर, मुंह में पानी आ रहा है, तो फिर देर किस बात की है। चलिए फटाफट से मैं आपको एक बाइट लेकर दिखा देती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा हुआ है। आप इसे रोटी, नान, कुलचा, पराठा के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी डिश है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ मेरी बोटी भी कितनी अच्छी गल गई है, माशाल्लाह एकदम गल के मस्का हो गई है ऐसे कहेंगे। चलिए एक बाइट लेती हूँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, नमक मिर्च वगैरह सब परफेक्ट है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अपनी अगली रेसिपी के लिए आपसे लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।